अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक को ड्राइव किया जाता है सोशल नेटवर्क जैसा कि फेसबुक से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोसीजर। सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है फोटो एस्केप। ये फ्री वेयर है, इजीली डाउनलोड हो जाता है। किस तरह से डाउनलोड करना है, आपको टाइप करना है फोटो एस्केप, ठीक है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप ये फोटो एस्केप डाउनलोड करें downloadcnet.com से तो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। आ जाओ, या फाइल इको से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप अपने सिस्टम में इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ये आ रहा है। कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा यूज़ करेगा, एंड्रॉयड वगैरह वगैरह, तो उनका इस तरह से हाईलाइटेड आएगा, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। फिर इंस्टॉल करने के बाद ईजिली है, फ्री वेयर है, 5 MB का सॉफ्टवेयर है, इजिली हो जाता है। तो आप क्लिक करोगे एडिटर के ऊपर, ठीक है। एडिटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक इमेज कॉपी कर लो, जैसा कि मैं कर लेता हूँ। मॉडल्स, सिर्फ मॉडल ही लिख रहे हैं। या लिखते हैं हाउ टू मेक मनी। ये वाला मैं इमेज ले लेता हूँ। सेव इमेजेस, डेस्कटॉप पे रख देता हूँ इसको। और दूसरा इमेज मैंने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, आप भी कर सकते हो। उसके लिए आप टाइप करोगे क्या, टाइप करोगे फेसबुक प्ले लोगो। जी ये है फेसबुक का प्ले लोगो, आप भी यही कर लें। इसको भी सेव इमेज कर देते हैं डेस्कटॉप पर। प्ले बटन के नाम से आएगा, ओके। तो अब मैं पहले इमेज बना लूँ। इसके अंदर आप क्रिएट करोगे मेन्यू में आकर न्यू फोटो, और इसकी साइज रखेंगे 1280, विथ में हाइट में रखेंगे और वाइट ही रख दें। आप आ जाएं ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके फिर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। फोटो आप ले लोगे जो मैंने किया था पहले इंटरनेट से डाउनलोड, ठीक है। तो इसको बड़ा कर दो पकड़ कर। ओके ओके ओके, मैंने बड़ा कर दिया, सही है। अब इसके ऊपर लोगो ऐड करते हैं फेसबुक वाला, सही है जी। इसको छोटा कर देते हैं, साइज के मतलब आप ऐड कर दो, कोई मसला नहीं। सही है, सेंटर पर रखकर इसको सेव कर देते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करोगे, सेव एज करकर इसको भी डेस्कटॉप पर ही रख देते हैं फाइनल के नाम से, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट गूगल वालों की तरफ से ही दी गई है जिसका नाम है ब्लॉगर। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर ब्लॉगर, इंटर कर दूंगा और ब्लॉगर की वेबसाइट पर चला जाऊंगा। ये देखें blogger.com। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे, आपका कोई भी ब्लॉग नहीं बना होगा, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आप क्या करोगे, न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करोगे। एक ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर, देखें जिसके 70 पेज व्यूज आ चुके हैं। तो ये बेसिकली ये ब्लॉग हो रहा है रीडायरेक्ट, इसके मीन्स पोस्ट पर जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अगर जब इस लिंक पर मैं जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगी। देखें ये लिंक है और ये रीडायरेक्ट हो गई। तो इसी तरह से हमें रीडायरेक्ट बनाना है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ब्लॉगर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और न्यू ब्लॉग बनाऊंगा न्यू रीडायरेक्शन के लिए। तो न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कोई भी टाइटल दे दूंगा, जैसे कि देसी
मॉडल्स, और यहाँ पर भी नेम यही लिख देता हूँ, देसी मॉडल 02 या 01 लिख दें या 1 लिख दें, देख लें कि ये मीन्स ये चल रहा है, मीन्स इस तरह का अगर चेक मार्क आ जाए तो इट मीन्स के ये आपका एड्रेस हो गया, और क्रिएट कर दें। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अगर इसका मीन्स फ्रंट एंड देखना हो, मीन्स यूज़र एंड देखना हो, तो यूज़र एंड है इसका ये देसी मॉडल्स। ठीक है, अगर कोई भी ओपन करेगा तो देसी मॉडल जिसकी मीन्स URL मीन्स एड्रेस होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं facebook.com, यहाँ पर लिखेंगे desimodels1.blogspot.com। अब इसको रीडायरेक्ट करना है, अगर इस पर कोई भी आए तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किसी दूसरी साइट पर, तो उसके लिए मैं एक कोड लाता हूँ, एक मिनट। ओके, तो अब मैं जा रहा हूँ देसी मॉडल के ब्लॉग पर, ये ब्लॉग आ गया देसी मॉडल, माई ब्लॉग्स नेम देसी मॉडल। ठीक है, तो इसके हमें टेम्पलेट पर आना है, याद रहे कि हमें ये कोड इंटर कहाँ करना है। टेम्पलेट पर आकर एडिट HTML पर क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हेड, यहाँ पर क्लिक करके नीचे क्लिक कर दोगे, नीचे बिल्कुल नीचे। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बनाकर अब ये कोड इंटर करना है, ये कोड भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको कॉपी करके ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, कोड यहाँ पर आ गया। अब देखें ये रीडायरेक्ट हो रहा है कहाँ पर, कहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है, computerpakistan.com पर। तो अब आपको क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट करना है दूसरी लिंक पर, जैसा कि ये देखें फन क्लिप्स फॉर यू, तो इसको राइट क्लिक कर कॉपी लिंक लेनी है, मीन्स ये वाली लिंक के ऊपर हम रीडायरेक्ट करेंगे इस ब्लॉग को, देसी मॉडल वन को। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, तो अब क्या करना है, ये देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के अंदर ये लिंक रखनी है, मैं कॉपी करूंगा इस लिंक को, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, लिंक एड्रेस कर ऐड कर दूंगा इस वेब ब्लॉग की जो लिंक है, ये देखें आप इस वेब ब्लॉग की लिंक आ रही है ये वाली, तो इस लिंक को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये मुकम्मल लिंक आ गई। याद रहे कि ये डबल कोटेशन मीन्स डबल कॉमा के बीच में आनी चाहिए, ये जहन में रखना चाहिए। अब आप इसको कॉपी करोगे मुकम्मल को, कॉपी, और जो देसी ब्लॉग है टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर हेड के नीचे यहाँ पर ऐड कर देना है, टेम्पलेट के अंदर देसी मॉडल्स के अंदर, टेम्पलेट के अंदर देसी मॉडल वन एंड आप टू कर देना वगैरह वगैरह, इस तरह से टेम्पलेट के अंदर हेड के नीचे यहाँ पर ऐड कर सेव टेम्पलेट कर देना है। अब देखेंगे जैसे इस ब्लॉग पर हम जाएंगे, सेव हो जाए, ये सेव हो गया। अब जैसे इस ब्लॉग पर जाएंगे तो उस ये वाली जो हमारी लिंक है उस पर चले जाएंगे, चेक करने के लिए मैं व्यू ब्लॉग करूँगा, ये देखें देसी मॉडल अब रीडायरेक्ट हो गया उस वेबसाइट पर। तो ये देखें अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा सेम। अब इसके अंदर हमें पोस्ट किस तरह से करनी है, पोस्ट पर आऊँगा, अब न्यू पोस्ट ऐड करूँगा डायरेक्ट क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक करूँगा टेस्ट न्यू मॉडल्स, ठीक है, और इमेज ऐड कर दूंगा जो मैंने बनाया था फोटो स्केप के अंदर, इमेज को इंटर टाइटल देना है देसी, ये यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे दो, उर्दू में दे दो, इंग्लिश में दे दो, कोई भी मसला नहीं। तो इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, चूज फाइल करोगे, जो मैंने फाइल बनाई थी फाइल चूज कर दी, अब मैं इस फाइल को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब फाइल को क्लिक करके एक्स्ट्रा लार्ज करें और यहाँ पर लिख कराएं और पब्लिश कर दें, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, पब्लिश हो गया, अब इसकी लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक और डायरेक्ट आकर फेसबुक पर ऐड कर दें। Thank you.
पर आता हूँ मैं, लीव दिस पेज। सही है, यहाँ पर आ गई और पोस्ट कर देंगे। अब देखो ये हो गया देसी मॉडल, उसका मीन्स क्या आ गया टाइटल। आप यहाँ से उर्दू का टाइटल दे सकते हो कोई भी, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेगा कोई तो रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दैट्स इट। और इस तरह से अगर दूसरी पोस्ट करनी हो, मीन्स मल्टीपल पोस्ट कर सकते हैं हम, और मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हैं। मैं और इमेज ले लूँ, ये मैंने इमेज ले लिया, इसको कॉपी कर दिया, सेव इमेजेस डेस्कटॉप। और यहाँ पर आकर मैंने न्यू इमेज बना लिया, ओके पर प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे, ओके कर वही इमेज ऐड करेंगे जो मैंने डाउनलोड किया अभी। तो इसको इस साइज से फिट करेंगे। ठीक है, साइज से फिट कर इमेज ऐड करेंगे, प्ले बटन वाला, और इसको छोटा कर देंगे। ये हो गया इमेज छोटा, बीच में रखकर सेव कर देंगे। नोप, डेस्कटॉप पर कोई भी नाम दे देंगे, टेस्टिंग। अब ये इमेज तो सेव हो गया, अब नई पोस्ट करनी है तो न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेस्ट टू। ठीक है, और इमेज ऐड करेंगे, चूज फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, ये वाला ऐड करेंगे और रीडायरेक्टिंग माय साइट, इसको बड़ा कर देंगे, ये जैन मेरे थोड़ा सा इधर कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ये पोस्ट पब्लिश हो गई, कैंसिल। इसकी लिंक को कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक आकर पेस्ट करेंगे। कट, फिर से करेंगे ताकि वो जनरेट हो जाए इसका इमेज। थोड़ा सा टाइम लगेगा जनरेट करने में, लेकिन जनरेट होगा बाद में। ये डुप्लीकेट आ रहा है इसलिए इश्यू को, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यप, नहीं से एक मिनट लगेगा इमेज को थंबनेल जनरेट करने में। यहाँ पर न्यूली पोस्ट आ गई है ना, इसलिए ये थोड़ा सा करेगा प्रॉब्लम। तो अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, तो देखें रीडायरेक्ट हो गई। ओके, अब इस तरह से मुझे नई, ये तो हो गई एक, मेन पेज पर आता हूँ। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब दूसरे के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, हाउ टू रिप्लेस रेडिएटर इन वगैरह वगैरह, तो इसके लिए मुझे न्यू ब्लॉग बनाना होगा। तो मैं आऊँगा ब्लॉग्स पर, लीव दिस पेज। यहाँ पर देखें दो लिंक मैंने बना ली, न्यू ब्लॉग जनरेट करूँगा, इनका नाम रखूँगा मॉडल्स टू देसी मॉडल्स टू। ठीक है, और क्रिएट कर दूँगा। अब मेरा नया ब्लॉग क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आऊँगा टेम्पलेट पर, कोड बनाऊँगा। देखें ये डबल कोटेशन का मैंने रिमूव करना है, रिमूव कर मुझे अब ये वाली तो रीडायरेक्ट हो गई, अब इसको रीडायरेक्ट करना है। तो इसके लिए कॉपी करूँगा लिंक, एड्रेस और कोड के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी कर आ जाऊंगा
एडिटेशन टेम्पलेट पर देखिए, मॉडल टू में टेम्पलेट पर क्लिक करके एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करके हेड के नीचे, बिल्कुल हेड के नीचे थोड़ा सा स्पेस बनाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे और सेव टेम्पलेट कर देंगे। ठीक है, टेम्पलेट सेव। अगर मैं अब इस ब्लॉग पर जाऊंगा तो देखें ये ऑटोमेटिकली हाउ टू रिप्लेस रेडिएटर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसमें पोस्ट करने के लिए पोस्ट पर न्यू पोस्ट क्रिएट करूंगा, टेस्ट माई न्यू ब्लॉग मॉडल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर दूंगा, चूज करूंगा वही वाला इमेज ऐड कर दूंगा, अब पोस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ, अगर बड़ी ना भी करें वो चेक कर लेना आप। पोस्ट कर देता हूँ, कैंसिल, ये हो गया अभी। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया। इसकी कॉपी लिंक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस आते हैं, पेस्ट करूँगा। थोड़ा सा वेट करें, नहीं हो रहा तो इसको रहने दें, फिर से लिंक को पेस्ट करें, कैंसिल कर दें, रिफ्रेश करें। पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इसका जनरेट हो गया, पेस्ट कर देंगे। अब देखें ये मॉडल टू वाली है और ये मॉडल वन वाली। ठीक है, तो मॉडल टू मॉडल वन, अब इसको इसके ऊपर क्लिक करूँगा, रेडिएटर पर चला जाऊँगा, मीन्स हाउ टू रिप्लेस रेडिएटर। और अगर जब मैं क्लिक करूँगा इस पर तो इस पर दूसरी वाली लिंक आएगी, हाउ टू चेंज टायर प्रेशर, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो अब जब मेन ब्लॉग पर आऊँगा, लीव दिस पेज, तो ये देखें मॉडल टू मॉडल वन, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा अपना ऑफिशियल ब्लॉग है, तो इसके लिए मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा, टेस्ट वाले को भी। सही, तो अब आप अपने मीन्स अगर बनाना हो तो जीमेल अकाउंट में लॉगिन होकर ब्लॉगर पर आकर न्यू ब्लॉग के ऊपर क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन वगैरह देंगे। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट मैं ऐड कर देता हूँ। तो ठीक है, मैं सेव इसको कर, इसके मीन्स डबल कोटेशन वाला ये ऐसा, यहाँ पर आपको लिंक ऐड करनी है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। कोड क्लोज, ओके, अल्लाह हाफिज़।